अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश हज रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने के बाद भी कोई रद्द अमल नहीं हुआ। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि बांग्लादेश में बहुत कम अफराद ने हज के लिए अप्लाई किया है, जिसकी वजह बांग्लादेश में बढ़ती हुई महंगाई है कि लोग हज की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश हुकूमत ने हज की आखिरी तारीख को तौसी कर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद हज के लिए अप्लाई कर सकें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में दोबारा तौसी के बाद भी हज के लिए ज़्यादा अफराद ने अप्लाई नहीं किया, जिससे हज एजेंसीज को इस साल 1,27,000 बांग्लादेशियों को हज के लिए भेजने का कोटा पूरा ना करने पर हैरानी है। अब तक सिर्फ 64,699 अफराद ने हज के लिए अप्लाई किया है, जबकि बांग्लादेश का हज कोटा 1,27,000 है। बांग्लादेश की आवाम इसके पीछे वजह महंगाई को ठहराती है कि महंगाई की वजह से लोग हज की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे। मज़ीद आपको बताते चलें कि हज में से 9,253 सरकारी हज मैनेजमेंट के तहत और बाकी 55,446 निजी एजेंसीज के तहत रजिस्टर्ड हैं। वजारत मजहबी अबूर ने कहा है कि गवर्नमेंट ने मंगल को तीसरी और आखिरी बार रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 मार्च तक बढ़ा दी है। जी हाँ, बांग्लादेश में हज के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख अब 16 मार्च है, जो कि आखिरी दफ़ा तौसी की गई है। हज एजेंसी एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश और एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स ऑफ बांग्लादेश के रहनुमाओं को खदशा है कि कम तादाद की वजह से कोटा पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ 64,699 अफराद ने हज रजिस्ट्रेशन करवाई है, जबकि बांग्लादेश का कोटा 1,27,000 है। बांग्लादेश हुकूमत ने इसकी वजह हज पैकेज की कीमत ज़्यादा होने की बताई है, जिसकी वजह से अफराद हज के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, जबकि बांग्लादेश का हज कोटा 1,27,000 है। ATAB के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम आरिफ ने कहा है कि अगर हम कोटा पूरा नहीं कर सके तो हमारा कारोबार शदीद मुतासिर होगा, क्योंकि हज पैकेज की कीमत बहुत ज़्यादा है और अफराद महंगाई की वजह से हज की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे। हज की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी